गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास फोर। क्लास फोर देखिए, हम लोगों ने चैप्टर सेवन कंप्लीट कर लिया है ना, और चैप्टर सेवन का मैंने पीडीएफ भी भेज दिया था आप लोगों को, ठीक है? यस सर, हो चुका है। हाँ, पीडीएफ मिल गया होगा आप लोगों को। आज हम लोग चैप्टर एट यूनिटरी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। तो यस सर, सभी से क्वेश्चन है, सबसे पहले बताओ कि ये यूनिटरी मेथड्स होता क्या है, कौन बताएगा? चैप्टर आपका है यूनिटरी मेथड, ये है क्या? ये क्वेश्चन आयुषी, मिथुल, गेश, अभय, नव्यांश, आप सभी से है। बताएं, कौन बताएगा? कोई बताएगा? दुर्गेश नंदनी, यस सर। पता है यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या है? नो सर। नव्यांश, आप? नव्यांश शुक्ला, नो सर। नो। देखिए, यूनिटरी का जो हिंदी वर्ड है वो होगा संगठित, ठीक है? अब संगठित मतलब कई सारी चीजें है ना, एक नहीं, yes, दो तीन चार कई सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कह सकते हैं वी कैन मिक्स द अबव टू ऑपरेशन, है ना? कोई भी कार्य को दो से ज्यादा काम करना है ना, वो हो जाता है। उस विधि को क्या बोलते हैं, मेथड मिस विधि, तो उस विधि को क्या मेथड को क्या बोला हम लोगों ने, यूनिटरी मेथड, ठीक है? यूनिटरी मेथड। हाँ, तो जिसके अंदर कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो दो से ज्यादा हो जाता है, तो उसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है ना, जैसे कि, और इसी को हम लोग जो है यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक? तो yes, इसमें sir. कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग का दिया हुआ है, तो उसमें दो काम हम लोगों को करना होगा, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन बन जा रहे हैं, दो तीन बातें पूछी जा रही हैं, इसीलिए इसका वर्ड रखा गया यूनिटरी, यानी संगठित कई सारी चीजें, ठीक है? 5 लीटर, क्वेश्चन पहला है कि 5 लीटर मिल्क कॉस्ट ₹85, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन करना कि 5 लीटर दूध की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो कितनी है? 85 रुपीज। तो अब हमको 8 लीटर की बताना है, तो बड़ा दिमाग वो हो गया ना, yes, पहले तो 5 पूछ रहा है, अब 8 पूछ रहा है, अब 5 को 8 हम कैसे बनाएंगे, है ना? थोड़ा सा दिमाग में उलझन पैदा करने वाला सवाल। तो अगर कहता कि 5 लीटर का दाम 85 है, 10 लीटर का बताओ, तो हम लोग क्या करते, तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर देते, भाई 5 का 85 है तो 10 का कितना होगा, उसका डबल कर देते, है ना, मल्टीप्लाई करते। लेकिन आप कह रहा 5 लीटर का 85 है, अब हमको 8 का बताना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लड़का कंफ्यूज हुआ। उसके लिए सबसे पहला काम हमको करना होगा, 1 लीटर दूध का दाम हमें जानना होगा पहले। जब हम 1 लीटर दूध का दाम जान जाएंगे, तो हम 8 लीटर दूध का दाम बता देंगे। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल बता दें कि अगर 5 लीटर दूध का दाम ₹50 है, 5 लीटर दूध का दाम ₹50 है, तो अब हमको 1 लीटर 8 लीटर का बताना है, तो अब उसके लिए हम 1 लीटर दूध का दाम, इसी थोड़ा सा हमने नंबर इसी करके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा, अगर 5 लीटर का 50 है, तो 1 लीटर का कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी कर दिया हमने, दुर्गेश। 10, तो 1 लीटर का आया 10। हाँ, अब इजी हो गया ना, अब इस 10, जब 1 लीटर दूध का दाम 10 रुपीज है, yes, तो 8 लीटर दूध का दाम 10 × 8 = 80 रुपीज, बिल्कुल आसान है, इजी आ गया। हाँ, तो yes, इसलिए इस तरीके के सवाल में सबसे पहले हमें 1 चीज का, 1 लीटर हो या कोई भी चीज होगी, सबसे पहले 1 का हमको निकालना होगा, उसके बाद वो जितना पूछेगा उतना हम उसको बता सकते हैं। यानी कि एक सवाल में 2 काम हो गया,
पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है, इसका उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, तो दो, इसीलिए इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कार्य करना पड़ा, ऑपरेशन हमको टू अबव करना पड़ रहा है, ठीक है, टू थ्री कुछ हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर हम लिखते हैं, क्वेश्चन उतारते पहले, चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 5 लीटर मिल्क को कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क विल बी लीटर मिल्क कॉस्ट ऑफ एट लीटर मिल्क मिल्क लीटर मिल्क। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, SOLV सॉल्व, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए इसमें हमको दो प्रोसेस है, हमने पहले बताया, सबसे पहले हमने बताया था ये जो इस तरह के डॉट बनता है, दिख रहा है डॉट बोर्ड में आपको, बोर्ड में नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, देखिए बड़ा कर रहा है, दो डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, इसका मतलब होता है चुंकी, इसका मतलब होता है चुंकी, दे रहा हूँ चुंकी, इसका मतलब हुआ चुंकी, है ना। और जो ये वाला मेथड होता है एक डॉट ऊपर और दो डॉट नीचे, इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए, इसको ध्यान में रखना। तो हम ये करेंगे चुंकी, तो इसको हम हिंदी मिटा दें, समझ में आ गया ना, मिटा देते हैं। यस सर। चुंकी अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क इज कितना है 85, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क 85, ठीक है। क्योंकि अब करेंगे इसलिए हमको कितना निकालना है, 1 का निकालना है ना, यस सर, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर लीटर मिल्क इज इक्वल टू आपका ये रुपीज है, ठीक है, रुपीज 85 डिवाइडेड 5 है ना, 5, ठीक है, यस सर, 5 लीटर का कितना है 85 रुपीज है, ठीक है, तो 1 लीटर का निकालने के लिए हमने क्या किया, 85 डिवाइडेड 5, अब 85 को 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ हम लोग रफ में करके देखते हैं, 85 को हमने 5 से डिवाइड किया, पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, ठीक है, तो कितना आता है 5 1 5, 8 में से 5 किया 3 बचा, ठीक है, 3 5 5 5 7 जा 35 है ना, 35 तो अब आया 17 रुपीज, 17 कितना आया रुपीज, 17 रुपीज, तो हाँ, तो अब हमको पता चल गया कि 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 17 रुपीज, ठीक है, 17 रुपीज, हाँ 17 रुपीज। तो अब फिर लिखेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये रफ हम डाल दे रहे हैं, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे इसलिए द कॉस्ट ऑफ कितने का पूछना है, 8 लीटर, 8 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 17 × 8, ठीक है, हमको इंटू 8, 1 का निकालना था तो हमने डिवाइड किया, अब हमको 17 निकाल लिया, 17 रुपए है आपका 17 रुपीज 1 लीटर दूध का दाम, तो अब 8 लीटर का बताना है, तो इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, कितना अंतर आता है वो अभी हम लोग निकाल लेते हैं, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पढ़िए 56 का हमने 6 लिख दिया, 5 ऊपर कैरी हो गया, ठीक है, फिर 8 बन जा 8 और 5 13 8 और 5 13
थर्टीन, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रुपीज 136, 136, ठीक है। Yes, sir. तो 8 लीटर दूध का दाम कितना निकला, 136। अगर किसी के पास बुक है तो आंसर पीछे देख के मुझे बता दे, आंसर आ रहा है? Yes, sir, बता रहे हैं। देख के बताइए, yes, sir, बुक में 136 ही आ रहा है, 136 आया है, आ गया ना? Yes, इस सवाल को उतारना चाहोगे? उतार लो। Yes, sir. सभी लोग उतारो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा चैप्टर इसी बेस पर है, इसी तरीके से सारे सवाल लगेंगे। अगर ये सवाल समझ में आ गया, चैप्टर 8 का पूरा सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सर इजी है, ये गारंटी है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, कैसे स्टेटमेंट लिखना है, ये सारी चीजें देख लो, है ठीक है। मैंने 7 भेज दिया था, इसका भी पीडीएफ भेज दूंगा, 7th और 8th चैप्टर से ही आपका पेपर आएगा, इसको खूब अच्छे से, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है आपको। यस सर, दिख रहा है? उतार लो, चलो साइड हो गए सर, उतार लिए, सभी ने उतारा? यस सर, यस सर, चलो उतार लो। यस, बिठा दूं? यस सर, कर दूं? ओके, यस सर, कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम शुगर इज रुपीज 60। Find the cost of 8 kilogram sugar. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ किलोग्राम, 4 किलोग्राम शुगर इज रुपीज 60। 4 किलो शुगर में क्या होता है, कौन बताएगा? सर चीनी, 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 ठीक है। तो 4 किलो चीनी का दाम 60 रुपीज है, 4 किलो चीनी का दाम 60 रुपीज है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर। तो आपको 8 किलोग्राम शुगर का दाम निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो लास्ट में किए थे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे SOLV, सॉल्व, सॉल्व कर रहे हो आप तो सॉल्व लिखोगे, चूंकि 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, ठीक है, चूंकि यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम शुगर रुपीज कितनी है, 60। कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू 60 रुपीज, इसलिए 1 किलो शुगर का दाम निकालना है, तो सर 15 होगा, ऑफ सर 15 होगा, हां 15 होगा सर, 15 किलो शुगर का ग्राम, पहले सॉल्व कर ले, 15 होगा, सॉल्व तो कर ले, द कॉस्ट ऑफ 1 किलो ग्राम शुगर इज इक्वल टू रुपीज 60 डिवाइडेड 4, तो इज इक्वल टू 15 आया ना, 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपीज, चूंकि हम 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, या 15 4 जा 60, ऐसे भी आप कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा डिवाइड यहाँ पे देख ले,
कि फोर से अगर हम 60 में डिवाइड करेंगे तो फोर वन या फोर सिक्स में से फोर या टू बचा और जीरो फोर फाइव या 20 कट गया ना 20 ठीक है तो आपका 15 रुपीज आ गया एक किलो चीनी का दाम। अब इसलिए द कॉस्ट ऑफ कितना का बताना है 8 किलो 8 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू 15 गुणे या मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू अब 15 से चूंकि 1 का है और 8 किलोग्राम का निकालना है तो 15 से 8 में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा रफ में कर सकते हो 15 8 सर 40 होगा 8 5 40 ऐसे देखो क्या देखो कितना आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 120 यस सर 140 आएगा 120 आएगा 120 आएगा है ना तो 8 किलो शुगर कितने की हुई 120 रुपीस है ना यस सर आंसर भी लाइए पीछे से आंसर पीछे से देख लीजिए यस सर देख रहे यस सर 120 है ना चलिए यस सर चलिए वेरी गुड आ गया आप लोग को आ गया आप सबको यस सर बहुत इजी यस सर आ गया इजी है चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 12 नोट बुक कॉस्ट रुपीज 48 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोट बुक देखिए क्वेश्चन है 12 नोट बुक्स कॉस्ट रुपीज 48 12 या 12 नोट बुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 48 रुपीज ठीक है 48 रुपीज पर द कॉस्ट ऑफ 15 नोट बुक्स तो आपको 15 नोट बुक की जो कॉस्ट है वो आपको बतानी है सेम प्रोसेस कोई चेंजेस नहीं सबसे पहले सॉल्व लिखा ठीक है क्वेश्चन से ये लिखिए क्या लिखना है चूंकि क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स नोटबुक इज इक्वल टू कितना रुपीस है 48 है ना इसलिए हाँ इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू रुपीस 48 डिवाइडेड 12 अब इसको डिवाइड करेंगे 48 से तो कितने बार जाएगा 4 बार यस सर ठीक है ना तो अब इसके बाद इसलिए 15 इसलिए द कॉस्ट ऑफ 15 नोट इज इक्वल टू 4 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 60 रुपीज आंसर है यस सर आंसर मिलाओ जैसे यस सर मिला रही है सर सही है यस सर सही है 60 सही है चलिए वेरी गुड
और बताया जाए, चलिए एक और बताते हैं। सारे सवाल में सही है। उतारना है, उतारना है, डिलीट कर दो। उतार लिया, उतार लिया, अभी उतारना है। रिकॉर्ड हो गया है सर, हो चुका है सर। 48 को 5y प्लस भी और आप लोग अभी 10 बजे मैंने बोला था, एक वो दिया था सब लोगों को असाइनमेंट करने के लिए। अरे एक अभी असाइनमेंट मैथ्स का आपको स्कूल से मिलेगा, हमने एक सुबह एसएमएस डाला था, ठीक है? तो असाइनमेंट अपना आप लोग आकर स्कूल से ले लीजिए मैथ का, ठीक है? और कुछ हमने एक्टिविटीज, एक एक्टिविटीज भी दिया था, सिर्फ दुर्गेश नंदिनी की एक्टिविटीज क्लास मेरे पास आई है अभी तक। आयुषी आप, अभय, नव्यांश नहीं आई मेरे पास एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी जो भी जितनी एक्टिविटीज हो रही बेटा की फोटो खींच कर व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करना है, फोटो खींच के व्हाट्सएप करना है, मैंने बोला था ना व्हाट्सएप करिए। ओके सर। क्योंकि जो ये 40 मार्क्स का होता है आप लोगों का, जितनी भी एक्टिविटीज हम देंगे घर पे करने के लिए, उसमें आपको 40 मार्क्स में आंसर नंबर आपको मिलेगा, ये सोच लीजिए। पहले स्कूल में सब्जेक्ट इनरिचमेंट के जो होते थे, जिसमें हम क्वेश्चन आप लोगों से आगे क्लास में करते थे, या जो भी एक्टिविटीज होती थी उसमें मार्क्स मिलता था ना, ये वही चीज है। बस आपको मैं जो भी टास्क दूंगा, एक्टिविटी दूंगा, उसको आपको करना है, फोटो खींच के या वीडियो बना के हमारे पास सेंड कर देना। yes, आपको 40 नंबर 40 नंबर रिजल्ट में मिलेगा। बार बार बोल लो, जिनका नहीं आएगा फिर नंबर कम हो जाएगा, ठीक है? yes, ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो भी दी जाए उसको बेटा फेसबुक उसको डाला जाता है, क्लास करने के बाद फौरन मुझे आधे घंटे के अंदर भेजिए, ठीक है? क्योंकि मुझको 11 बजे फेसबुक पर डालना है, उससे पहले भेज दीजिएगा। यस सर दे देंगे, यस सर दे देंगे। ठीक, कोई बनाया हो उसको बना के सेंड कर, और काम कोशिश किया करिए टाइमली कर दिया करिए। अच्छा अब एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, फिर 22 क्वेश्चन है, पर सब सेम ही है, कोई अलग नहीं है, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर इतना आ गया है तो पूरा एक्सरसाइज कर लोगे? दुर्गेश कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभय आपको? नो सर। और नव्यांश बेटा आपको? नो सर। अभियान शुक्ला, कोई प्रॉब्लम होगा बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है? और अभी आयुषी आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या बात है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वन डजन, वन डजन पेंसिल, पेंसिल कॉस्ट ₹36 36. What will be the? What will be the? The cost of 16 pencils. Cost of 16 pencils. 16 pencils. ठीक है। अगर कह रहा है कि one dozen means कौन बताएगा? One dozen क्या है? One dozen pencils cost ₹36. One dozen means? एक पैकेट। पता नहीं, तुम बताओ पहले। सर एक बंडल। अभय एक बंडल। नव्यांश, नव्यांश यस सर। टेल मी वन डजन मीन्स, पता है? अरे बहुत इजी है यार, वन डजन मीन्स एक दर्जन। दर्जन लेते हैं ना लोग, केले वगैरह लेते हैं, एक दर्जन केला दो, है ना? एक दर्जन, एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, कितना होता है एक दर्जन में? एक दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? नव्यांश, अभय, दुर्गेश फटाफट, एक दर्जन में 12। एक दर्जन में कोई भी चीज अगर एक दर्जन है तो एक दर्जन या एक डजन है तो इट मीन्स 12, 12।
12 का जो सेट होता है, 12 का जो सेट होता है, उसको हम लोग एक डजन बोलते हैं, एक दर्जन, ठीक है। केला अक्सर लेते हैं, बनाना आप लोग परचेज करते हो गए ना, एक दर्जन केला दे दो पापा, मम्मी जाते हो साथ में, वन डजन, उसमें कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। यस सर। तो एक डजन मीन्स यहाँ पर चूंकि हम लोग ले सकते हैं वन डजन इज इक्वल टू 12, ये मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। तो yes, अब इसमें कह रहा है कि वन डजन पेंसिल कॉस्ट ₹36, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, छोटी पड़ जाएगी, चलो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि द कॉस्ट ऑफ वन डजन, अब यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 वन डजन की जगह 12 पेंसिल इज इक्वल टू कितने की है, 36 की, 36 रुपीज है ना। yes, इसलिए द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹36 डिवाइडेड 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 3 बार, 12 3 36 है ना। Yes, sir. तो एक पेंसिल का दाम कितना आया? 3 रुपए। अब हमको बताना है 16 पेंसिल का दाम, तो इसलिए द कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स इज इक्वल टू 3 × 16 × 16। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 48। यस सर। मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर। 48 आया ना, आंसर पीछे देख लो, अगर देखना चाहो तो। यस सर सही है, 48 रुपीज सही है। यस सर सही है, 48 रुपीज। उधार लीजिए। यस सर उधार ले रहे। सर उतार लिए। यस सर उतार लिए। ठीक है, और बताऊं? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट। 15 kg ऑफ वेजिटेबल ऑयल कॉस्ट ₹465 है ना, 465। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg बताना है। 15 का दिया है, 4 का बताना है ना। यस सर। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया, सिस्टम मेरा बता रहा है, बहुत जल्दी से इसको हम लगाते हैं, है ना। कह रहा है कि 15 किलोग्राम वेजिटेबल्स ऑयल, सब्जी का जो तेल है उसकी कीमत है ₹465। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg वेजिटेबल्स ऑयल, है ना। तो 4 kg तेल के हमको दाम बताना है। सबसे पहले सेम प्रोसेस, सॉल्व लिखा, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, चूंकि द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑयल वेजिटेबल ऑयल लिख लेंगे, इक्वल टू कितने का है? 465 का है ना। इसलिए द कॉस्ट ऑफ
पर केजी किलोग्राम वेजिटेबल्स ऑयल इक्वल टू 465 डिवाइडेड 15 से डिवाइड करेंगे इसको. हाँ या साइड में हम लोग कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए 465 को 15 से. इसका आंसर आ जाएगा 31 रुपीज. ठीक है, आंसर कितना आया? हाँ 31 रुपीज. तो अब हम लिखेंगे इसलिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg वेजिटेबल्स ऑयल इज इक्वल टू 31 × 4 इक्वल टू 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 है ना. तो 124 रुपीज आंसर मिला लीजिए. यस सर सही है. यस सर सही है. 124 रुपीज है. हाँ जल्दी लिख लिया है. वेजिटेबल ऑल्सो जल्दी लिख लिया है. अपना अपने सजा के आप लोग बाद में लिख लीजिएगा. सेम प्रोसेस से करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, फाइव देखिए पूरा 1 से लेके 5 तक मैंने सॉल्व करके बताया. कोई चेंजेस आया? कोई नहीं. सेम प्रोसेस है. सेम प्रोसेस के साथ करिएगा. हाँ तो 1 से 5 ये करेंगे और 5, 6 से 10 तक आपका टास्क है, होमवर्क है, इसको आप लोग मिस करेंगे. ठीक है, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा. तो आज की क्लास यहीं पर आपकी खत्म करते हैं. अपना असाइनमेंट स्कूल से आकर ले लीजिए. और अब है नव्यास मुझको और अभी आयुषी एक्टिविटी वाला भेज दीजिए. ठीक है, ओके चलिए. ओके गुड बाय. बाय सर. बाय बेटा. बाय बाय.